तो इस वीडियो में देखते हैं कि आप कैसे ये अमेजिंग रील्स अपने पीसी में एडिट करके अपनी फोटो से बना सकते हैं इजी स्टेप्स में। तो उसके लिए आपको सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एक लिंक, और उस लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं ये .rar फाइल। और इस RAR फाइल को आप जैसे ही एक्सट्रैक्ट करेंगे आपको इसके अंदर मिलेंगी ये कुछ फाइल्स। तो इस ट्यूटोरियल को समझाने के लिए मैं यूज करने वाला हूँ अपने DJI ड्रोन का एक शॉट, जिसको मैं एडिट एंड रीनेम करके समझाऊंगा आपको कि आप कैसे अपनी फोटोज को भी इस तरीके से इसमें एडिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी किसी भी फोटो को जिसको आप रील पे डालना चाहते हैं उसको फोटोशॉप में खोलिए। अब फोटोशॉप में खोलने के बाद आप सबसे पहले उसको 9:16 वर्टिकल में क्रॉप कर लीजिए इस तरीके से। क्रॉप करने के बाद आप कंट्रोल ऑल्ट आई दबाइए और यहां से विड्थ को 3000 करके लिख दीजिए, और उसके बाद आप इसको ओके पे प्रेस कर दीजिए। अब हम इस फोटो की ही चार फोटोज बनाएंगे, जिसमें से दो होंगी ब्लैक एंड व्हाइट, जिसमें से एक का कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा इंक्रीज होगा, और एक होगी बहुत ही हल्की कलर ग्रेडेड और एक होगी नॉर्मल कलर ग्रेडेड। तो सबसे पहले करते हैं हम इस फाइल की डुप्लीकेट कंट्रोल प्लस जे दबा के, और उसके बाद हम प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट यू इस फोटो को ब्लैक एंड व्हाइट बनाने के लिए। और इसको ब्लैक एंड व्हाइट करने के बाद हम इसको कंट्रोल शिफ्ट एस दबा के सेव एस करेंगे, और यहां से हम जेपीजी सेलेक्ट करके इसको 001 में, नॉर्मल एडिट जो है हमारा ब्लैक एंड व्हाइट, उसको 001 में सेव कर देंगे। अब हम इस ब्लैक एंड व्हाइट फोटो में थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज करेंगे, उसके लिए हम दबाएंगे कंट्रोल ऑल्ट एम, और इस कर्व को हम थोड़ा सा अंदर की तरफ करते हैं, और यहां से हम थोड़ा सा इसको इंक्रीज करते हैं, उसके बाद हम यहां से ओके प्रेस कर देंगे। अब हम इस फोटो को सेव करेंगे कंट्रोल शिफ्ट एस दबा के सेव एस जेपीजी में आएंगे हम, और यहां से हम इसको 001A में क्लिक करके सेव एस कर देंगे। अब हम ब्लैक एंड व्हाइट वाली फोटो को डिलीट करते हैं, कलर वाली फोटो के ऊपर आते हैं, डुप्लीकेट करते हैं कंट्रोल प्लस जे दबा के, और डुप्लीकेट करने के बाद हम इसको दोबारा ब्लैक एंड व्हाइट करेंगे कंट्रोल शिफ्ट यू दबा के, और ब्लैक एंड व्हाइट करने के बाद हम इसकी ओपेसिटी यहां से थोड़ी सी कम कर देते हैं ताकि ये हमें हल्का सा कलर में दिखे लेकिन फुल कलर यहां पे ना दिखे, और यहां पे 70% करने के बाद हम इसको छोड़ेंगे। कंट्रोल शिफ्ट एस दबाएंगे, सेव एज में आएंगे, यहां से जेपीजी करेंगे, और हम इसको सेव कर देंगे 002A में। और लास्ट में जो हमारी चौथी फाइल है उसके लिए हम सबसे ऊपर वाली फाइल को पहले डिलीट करते हैं और इसको सेव एस करेंगे, और इसको सेव करेंगे 002 में। अब इसको सेव करने के बाद हमें बनाने हैं अपने कलर वाले बार्स, और हम खोलेंगे फोटोशॉप में कलर ग्रेड वाली PSD फाइल। कलर ग्रेड PSD वाली फाइल के अंदर आपको ऑलरेडी 6 बार्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, कलर स्वैच कलर बार्स देखने को मिल जाएंगे, लेकिन हमें इन बार्स को अपनी इस फोटो के अकॉर्डिंग सेट करना है। तो हम इस फोटो को खोलेंगे फोटोशॉप में, यहाँ से कंट्रोल प्लस ए दबाएंगे, कंट्रोल प्लस सी दबाएंगे कॉपी करने के लिए, इस वाली PSD फाइल में आएंगे, इस वाली PSD फाइल में आने के बाद सबसे नीचे आएंगे और यहाँ पे दबा देंगे कंट्रोल प्लस वी। अब आएंगे हम 001 में, और 001 में आने के बाद जो इफेक्ट वाला ऑप्शन है आप इफेक्ट वाले ऑप्शन के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, और जैसे ही आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे कलर ओवरले के ऊपर दिखेगा आपको एक कलर का ऑप्शन, इस कलर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करिए, और यहाँ से आप कोई भी ब्राइट कलर आप चूज कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ से ये चूज कर लेता हूँ। कलर चूज करने के बाद मैं यहाँ पे ओके प्रेस कर दूंगा, और यहाँ पे इसको भी ओके प्रेस कर सकते हैं। अब हम जाएंगे 002 में, इफेक्ट के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, कलर ओवरले पे आएंगे, ओवरले पे आने के बाद कलर के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम अपने दूसरे कलर को सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ से ओके प्रेस करने के बाद इस पे भी ओके प्रेस कर देते हैं। अब आएंगे हम 003 पे, इफेक्ट पे आएंगे, और इसी तरीके से 004, 005 एंड 6 के अंदर भी हम कलर्स को कलर ओवरले की मदद से अलग अलग कलर्स को चूज कर लेंगे। अब कलर फाइल्स चेंज करने के बाद हम अपनी नीचे वाली फाइल को टर्न ऑफ करेंगे, और यहाँ से 006, 5, 4, 3 एंड 2 को हम ऑफ करेंगे, और 001 को ऑन रखेंगे, कंट्रोल प्लस एस दबाएंगे सेव एस के लिए, और यहाँ से हम PSD को चेंज करेंगे PNG में, और PNG सेव करने के बाद हम 003A पे सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे और इसको सेव कर देंगे। अब हम 002 को टर्न ऑन करेंगे, 001 को टर्न ऑफ करेंगे, कंट्रोल प्लस एस दबाएंगे सेव एस के लिए, PNG सेलेक्ट करेंगे और इसको 003B में सेव कर देंगे। अब हम 3 को टर्न ऑन करेंगे, सेकंड को ऑफ करेंगे, और इसी तरीके से 4, 5 को भी हम एज अ सेव एस करके अलग अलग फाइल्स में सेव कर लेंगे। अब हम खोलेंगे एडोबी प्रीमियर, हमें उस एक्सट्रैक्टेड रॉ फोल्डर के अंदर दिखता है एक प्रीमियर की फाइल, हम इस प्रीमियर वाली फाइल के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, और जैसे ही आप इसको डबल क्लिक करके खोलेंगे आपको प्रीमियर के अंदर ये लिंक मीडिया का एरर देखने को मिलेगा, और आप यहाँ पे नीचे से लोकेट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके उस फोल्डर पे जा सकते हैं जहाँ पे आपने ये एक्सट्रैक्टेड रॉ फोल्डर को एक्सट्रैक्ट किया है। और यहाँ पे देखते हैं मेरे को कलर स्वैच का फोल्डर, और कलर स्वैच वाले फोल्डर के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे अंदर मेरे को वो सारी फाइल्स दिखनी शुरू हो जाएंगी, मेरी फोटोज दिखनी शुरू हो जाएंगी जो मैंने अभी एडिट करी है,
और मैं यहाँ से ओके पे प्रेस कर दूंगा। तो जैसे ही आप ओके पे प्रेस करेंगे उसके बाद आपकी फाइल जो खुलेगी एडोब प्रीमियर वो कुछ इस तरीके से दिखेगी, जहाँ पे आपके ऑलरेडी जो आपने पीएनजी सेव करी है, जो कलर आपने सेव किए हैं, एज वेल एज जो आपकी फोटो है ब्लैक एंड व्हाइट, वो सारी की सारी वहाँ पे ऑलरेडी विद एनिमेशन यहाँ पे आ चुकी है। लेकिन अभी भी यहाँ पे एक जो चीज जो मिसिंग है वो ये है कि ये जो कलर है वो एग्जैक्टली वहीं पे जाए जहाँ पे आपको इनको रखना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम 003F को टर्न ऑफ करते हैं, आंख के ऊपर हम क्लिक करते हैं, यहाँ से हम इसको भी ऑफ करते हैं, ऑफ करते हैं, और सिर्फ A वाली फाइल को हम यहाँ पे टर्न ऑन करके रखेंगे। अब हम 003A वाली फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप इफेक्ट कंट्रोल पैनल पे आएंगे। अगर आपको इफेक्ट कंट्रोल पैनल नहीं दिख रहा तो आप विंडो के अंदर जाइए, यहाँ पे आपको इफेक्ट कंट्रोल पैनल दिखेगा। जैसे आप इफेक्ट कंट्रोल पैनल के ऊपर क्लिक करेंगे आपको यहाँ राइट एरो के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे दिखेगा आपको इफेक्ट कंट्रोल का ऑप्शन। आप इफेक्ट कंट्रोल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे आने के बाद हम आएंगे पोजिशन वाले बार के ऊपर, और पोजिशन वाले बार के ऊपर जैसे ही हम आएंगे आपको यहाँ पे लास्ट की तरफ एक डायमंड दिखेगा, हमें इस लास्ट वाले डायमंड के ऊपर आना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो राइट एरो है गो टू नेक्स्ट की फ्रेम, हम गो टू नेक्स्ट की फ्रेम के ऊपर क्लिक करेंगे और जैसे हम क्लिक करेंगे हम इस वाले की फ्रेम के ऊपर आ चुके हैं। अब इस की फ्रेम के ऊपर आने के बाद हमें इस वाले कलर को, जो कलर हमने सेलेक्ट किया है 003A को, उसको उस पोजीशन पे लेके आना है जहां पे वो एक्चुअली कलर था इस फोटो के ऊपर, ये जो फोटो आपको दिख रही है पीछे वाली। तो बिल्कुल लास्ट डायमंड में आने के बाद हम क्लिक करेंगे 002 वाली फाइल के ऊपर, और 002 वाली फाइल के पर जैसे हम क्लिक करेंगे इफेक्ट कंट्रोल पैनल पे हम आएंगे दोबारा से यहाँ पे, और यहाँ पे आपको दिखता है ओपेसिटी वाला ऑप्शन, और ओपेसिटी के आगे दिखता है आपको इफेक्ट्स वाला ऑप्शन, इसको आप अनक्लिक कर देंगे ताकि हम अपने कलर्स को यहाँ पे इजीली देख सकें और हम इजीली 003 और बाकी जितने भी फाइल्स हैं उनको वहां पे रख सके जहां पे वो कलर्स हैं। तो 003A वाला कलर जो है वो मुझे दिख रहा है इस जगह पे, तो मैं अपने पोजीशन वाले बार के ऊपर आऊंगा और पोजीशन वाले बार को हिला के मैं इस की फ्रेम को, इस कलर्स को मैं वहां पे ले आऊंगा जहां पे वो एग्जैक्टली कलर है। अब मैं यहां से टर्न ऑन करता हूं 003B, 003B को टर्न ऑन करने के बाद मैं 003B को सेलेक्ट करूंगा और यहां पे मुझे दिखता है ये वाला कलर, लेकिन ये वाला कलर जो है वो है इस जगह पे। तो मैं अपने पोजीशन वाले बार को पकड़ूंगा, पोजीशन वाले बार को हिलाऊंगा और इसको भी एग्जैक्टली मैं वहीं पे ले आऊंगा जहां पे ये कलर है। अभी इसी तरीके से मैं 003C को टर्न ऑन करूंगा, 3C को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से इस कलर को, ये जो कलर है ये कलर दिख रहा है मेरे को इस जगह पे नीचे की तरफ, तो इसको नीचे की तरफ ले आऊंगा पोजीशन वाले बार से। तो इस तरीके से आप पोजीशन की मदद से वो सारे कलर जहाँ पे आपने सेलेक्ट किए थे वो सारे के सारे वहाँ पे डाल सकते हैं। तो जब आप सारे कलर्स को पोजीशन की मदद से रीअरेंज कर लें उसके बाद हम आएंगे अपनी 002 वाली JPG के ऊपर और हम यहाँ नीचे आएंगे और इस इफेक्ट्स वाले ऑप्शन जो ओपेसिटी है इसको टर्न ऑन कर देंगे। और अब हम Ctrl+M दबा सकते हैं या फिर हम फाइल के ऊपर जा सकते हैं और एक्सपोर्ट के ऊपर जाके हम मीडिया के ऊपर क्लिक करेंगे। आजकल एडिटिंग करना इतना ईजी नहीं है, ये देखिए PC मेरा लैपटॉप जो है वो ठप हो चुका है बिल्कुल, 6 बार मैं एक्सपोर्ट पे क्लिक कर चुका हूँ, ये देखो एक्सपोर्ट ही नहीं आएगा इसका, इतना स्लो हो चुका है, एनिमेशंस नहीं दिखती, बिना देखे एनिमेशंस देखनी पड़ती है, ये देखिए बहुत ही स्लो हो चुका है मेरा लैपटॉप, ओह गॉड। उसके बाद आप आउटपुट नेम के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से आप अपनी रील को कुछ भी नाम दे के सेव कर सकते हैं और उसके बाद आप एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए और इस तरीके से आपको मिल जाएंगी इंटरेस्टिंग और ट्रेंडिंग चल रही है ये कलर बार्स वाली रील। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है क्योंकि मेरा जो लैपटॉप है वो बिल्कुल ठप पड़ चुका है और मेरे को काफ़ी देर तक वेट करना पड़ता है हर एक्शन के बाद। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप, अगर आप न्यू हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो ऐसी वीडियोज़ को बहुत ईजी स्टेप से Adobe Photoshop और Adobe Premiere की मदद से बनाना चाहते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप शूटिंग, कीप शेयरिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।